Hello and welcome to our channel SK Creation. Hope you all are good and safe. So video को start करते हैं. Let's get started. यहाँ पर हमने M size का mask बनाया है. Fabric की चौड़ाई 18 cm और लंबाई 18 cm है. इस mask को बनाने के लिए हम 3 piece of cotton fabric use करेंगे. ये हमारा second piece, फिर ये हमारी third piece of fabric है. Fabric को हमें सबसे पहले half में fold करना है. इस तरीके से और इसके ऊपर हम आयरन कर लेंगे ताकि फैब्रिक एक दूसरे के अकॉर्डिंग सेट हो जाए. हाफ में फोल्ड कर लेने के बाद इसे विड्थ वाइज हमें दोबारा हाफ में फोल्ड करना है. मेन फैब्रिक को हमें 2 फोल्ड करनी है और फैब्रिक हमारा 4 फोल्ड हो जाएगा. और इसके बाद हम इसके ऊपर मार्किंग करेंगे. तो आप चाहे तो इसके ऊपर पिन लगा लो ताकि मार्किंग करने में फैब्रिक इधर से उधर ना हो. फ्रेंड्स, जो हमारा नीचे वाला प्लेस है ना, यहाँ पर हमें स्किल को रखनी है और हमें अंदर के साइड में 6 सेंटीमीटर पे डॉट बनानी है. हमें जो हमारा ओपन साइड है ना, वहाँ से लेना है और अंदर की साइड में 6 सेंटीमीटर लेनी है. सेम जो ओपन साइड वाला प्लेस है वहाँ पर रखेंगे स्केल को और 3.5 सेंटीमीटर ऊपर की साइड में लेंगे और इन दोनों डॉट को एक दूसरे से मिलाते हुए कर्व बनाएंगे. तो उसके लिए हमने एक सर्कल लिया है, इसका डायमीटर 25 सेंटीमीटर है और दोनों डॉट के ऊपर इस सर्कल को रखेंगे और इस तरीके से मिला लेंगे और नॉर्मल सा कर्व ड्रॉ कर लेंगे. इसके बाद फ्रेंड्स, जो हमारा फैब्रिक का कॉर्नर है ना, हमें इसे यहाँ से पकड़नी है और ऊपर की साइड में ऊपर की साइड में थोड़ा थोड़ा फोल्ड करना है और हमें डॉट करते जानी है. जहाँ पर फैब्रिक आए आप वहाँ पर डॉट करते जाओ और कॉर्नर से फिंगर को नहीं हटानी है. कॉर्नर हमारा मेन प्लेस है, फैब्रिक वहाँ से ज़्यादा मुड़ना नहीं चाहिए और इस तरीके से हमें डॉट करनी है. और ये जो हमें डॉट किया है ना, उसे हम सर्कल की हेल्प से मिला लेंगे और कर्व ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से. होप आपको समझ में आ गया होगा. इसके बाद जो हमने नीचे की साइड और ऊपर की साइड में जो हमने सर्कल ड्रॉ किया है, हमें इसे कट करना है. इस मास्क को बनाने के लिए हमें इतनी ही मार्किंग करनी थी. तो चलिए फैब्रिक की कटिंग कर लेते हैं. फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक, दोस्तों के साथ शेयर और हमें सब्सक्राइब करना ना भूले. और कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और साइड में जो बेल का आइकन हो उससे भी दबाना ना भूले. उससे सारे न्यू एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको इंस्टेंटली मिल जाती है. सो प्लीज कीप सपोर्ट, योर सपोर्ट्स आर रियली वेरी यूजफुल. फैब्रिक की कटिंग हो चुकी है. इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे फैब्रिक का पैटर्न किस डिजाइन का है. ये देखिए फ्रेंड, ये हमारे फैब्रिक का पैटर्न है. ये सर्कल के डिजाइन का है और बीच में ये जॉइंट है. सो फ्रेंड्स, अब हम सेट करते हैं कि हमें फैब्रिक को कैसे सेट करना है. सबसे पहले जो हमारा मेन फैब्रिक है और मिडिल फैब्रिक है, इन दोनों को साथ में फोल्ड करेंगे और जो हमारा बैक लेयर है उसे हम अकेले फोल्ड करेंगे. और हमें फैब्रिक को 3 पीस को 2 पीस में डिवाइड करनी है और इस तरीके से फैब्रिक को फोल्ड करना है. फोल्ड कर लेने के बाद फ्रेंड्स, जो हमारा ना फैब्रिक का ऊपर का साइड है ये वाला, यहाँ पर हमें सिलाई लगानी है. और इसके बाद सेम इसी फैब्रिक का जो नीचे का साइड है, हमें इस पर सिलाई लगानी है. जो हमारा दूसरा फैब्रिक है उसमें भी हमें ऊपर और नीचे जो खुला प्लेस है वहाँ पर सिलाई लगानी है. तो चलिए हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं. ये सिलाई का फर्स्ट स्टेप है. दोनों फैब्रिक पे हमने सिलाई लगा ली है. सिलाई लगा लेने के बाद जो हमने सिलाई लगाई है ना, उसके नज़दीक में हमें 2-4 कट्स लगाने हैं. हमें चारों साइड में, जो हमारा चारों साइड है ना, हमें वहाँ पर कट लगानी है. इस तरीके से हमें कट करना है. हम कट इसलिए करते हैं ताकि ये कॉर्नर है ना वो आराम से बाहर आ जाए. कट कर लेने के बाद जो हमारा मेन पीस है ना, हमें इसे सीधा करना है और इसके जितने भी कॉर्नर्स हैं उसे हम इस तरीके से बाहर निकाल लेंगे और फैब्रिक को सेट कर लेंगे उसके शेप के अकॉर्डिंग. और फ्रेंड्स, ये कर्व के शेप का बन जाएगा. इसके बाद ये जो हमारा फैब्रिक है ना,
इसमें हमें जो हमारा बैक लेयर था उसे इसमें लगानी है। बट फ्रेंड्स, जो हमारा बैक लेयर है ना उसे हम इसके अंदर लगाएंगे तो ये फैब्रिक उल्टी होगी, और जो हमारी मेन फैब्रिक है उसे हमें सीधा रखना है, और जो हमने सिलाई किया था ना वहाँ से दोनों साइड से इसे इक्वल करना है और फैब्रिक को एक दूसरे के अकॉर्डिंग सेट करना है। सेट कर लेने के बाद अब हम फैब्रिक को ना हाफ में फोल्ड करेंगे इस तरीके से, और ये जो मिडिल वाला प्लेस है ना फ्रेंड्स दोनों एक दूसरे के अकॉर्डिंग करें, और ऊपर की साइड में हमें कट लगाएंगे, ये वाला प्लेस है यहाँ पर। और इसके बाद ये जो हम कट लगा रहे हैं ना ये हमारा मिडिल में होना चाहिए। अब इस कट के, ये जो कट हुआ है ना इसके नीचे और ऊपर की साइड में मार्किंग करनी है हमें। इसका जो ऊपर का साइड है ना हमें वहाँ पर 3 सेंटीमीटर लेनी है, सेम इसके जो नीचे की साइड है वहाँ पर भी हम 3 सेंटीमीटर लेंगे और एक निशान बना लेंगे। यही प्रोसेस हमें दूसरी साइड भी अप्लाई करनी है, और हमें ऊपर और नीचे दोनों साइड में 3-3 सेंटीमीटर पे डॉट बनानी है इस तरीके से। और ये जो हमने डॉट किया है ना इस डॉट के ऊपर हम लगाएंगे इलास्टिक। तो इस मास्क को बनाने के लिए हमने जो इलास्टिक यूज़ किया है उसकी साइज 20 सेंटीमीटर है, और हमने 2 पीस ऑफ इलास्टिक लिया है। हम जो हमारा बैक लेयर था उसे इस तरीके से ऊपर करेंगे और फैब्रिक के सीधी साइड में इलास्टिक को रखेंगे, और इलास्टिक को हमें अंदर की साइड से लगानी है, और हम इसे पिन की हेल्प से सिक्योर कर लेंगे दोनों साइड में। तो आप देख लो कि हमने किस तरीके से इलास्टिक को सेट किया है। बस इस बात का ध्यान रखें कि इलास्टिक को हमें अंदर की साइड से डालनी है। दोनों साइड में इलास्टिक सेट कर लेने के बाद नीचे का जो प्लेस है ना यहाँ पर हमें 3 सेंटीमीटर का गैप छोड़ना है इस तरीके से। और इसके बाद ये जो निशान है ना इसके ऊपर की साइड से स्टार्ट करते हुए हमें फैब्रिक के 1 साइड में सिलाई लगानी है इस तरीके से, और ये जो नीचे वाला प्लेस है हमें यहाँ पर सिलाई नहीं लगानी है। तो चलिए हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं, ये सिलाई का 2nd स्टेप है। हमने इसके ऊपर सिलाई लगा ली है। सिलाई लगा लेने के बाद अब हम सिलाई के नज़दीक में 2-4 कट्स लगाएंगे इस तरीके से। और ये जो फैब्रिक है ना इस पे कट लगाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये कर्व के शेप का है, ताकि ये सारे कर्व आराम से बाहर निकल जाए, इसलिए हम कट लगाते हैं। कट लगा लेने के बाद ये जो साइड में खुला प्लेस है ना ये वाला, यहाँ से हमें फैब्रिक को सीधा करना है, और हम इसके थ्रू सारे कॉर्नर्स को और कर्व को बाहर निकाल लेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आप चाहो तो इसे आप पिन की हेल्प से भी बाहर निकाल सकते हैं। और इसके बाद जो भी कर्व है ना उसे हम पेंसिल की हेल्प से सीधा कर लेंगे, और एक बार हम इसके ऊपर आयरन कर लेंगे।
फैब्रिक को सीधा कर लेने के बाद जो हमारा खुला प्लेस है उसे हमें अंदर की साइड में फोल्ड करना है। फ्रंट जो उसका शेप होना हमें उसके अकॉर्डिंग ही फोल्ड करना है, हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक फोल्ड नहीं करनी है। और इस तरीके से हम इसे सेट कर लेंगे। और आप चाहो तो इसे पिन की हेल्प से भी सिक्योर कर सकते हो और फैब्रिक को इस तरीके से सेट कर लेना है। और इसके बाद जो हमारा फैब्रिक है ना उसके टॉप में हमें सिलाई करनी है और हमें फैब्रिक के शेप के अकॉर्डिंग उसके ऊपर सिलाई लगानी है। ये हमारी सिलाई का थर्ड एंड फाइनल स्टेप है। तो फ्रेंड्स आप देख लो कि हमने किस तरीके से इसके ऊपर सिलाई लगाई है। यहाँ पर आप एक बात का ध्यान रखिए, आपको फैब्रिक को उसके शेप के अकॉर्डिंग बाहर निकालनी है और उसके ऊपर सिलाई लगानी है। फैब्रिक ऊपर या नीचे होगा तो जो भी मास्क है उसका शेप खराब हो जाएगा, तो इस बात का ध्यान रखें फ्रेंड्स। फाइनली फ्रेंड्स सारी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। मास्क बनाने में कोई मेहनत नहीं लगती है फ्रेंड्स, बहुत ही इजी होता है मास्क को डिज़ाइन करना। और फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ ही स्टेप्स होते हैं। सो ये देखिए, ये हमारा फैब्रिक मास्क बनकर रेडी हो चुका है और ये N95 स्टाइल का मास्क है और ये 3 लेयर मास्क है। सो बहुत ही गुड है। सो फ्रेंड्स आप इसका पूरा लुक आराम से देख सकते हो और ये एम साइज का मास्क है, ये देखिए फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कुछ नई और इंटरेस्टिंग सी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप सपोर्ट फ्रेंड्स एंड ऑल्सो टेक केयर।